चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। इन दिनों देश भर में मानसून की बारिश लगातार जारी है। इसके साथ ही देश भर के बुद्धिजीवियों में इस वक्त पानी बचाव के संदर्भ में चर्चा भी जोरों पर है। आम लोगों के साथ ही अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात पर चिंता व्यक्त करता हुआ देखा जा सकता है कि बरसात का पानी बेवजह ही नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है। इसे वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए दोबारा से जमीन के अंदर भेजने के उपायों पर और ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कि जमीन के अंदर का वाटर लेवल बढ़ सके और कम होते पीने के पानी की समस्या का कुछ हद तक मुकाबला किया जा सके। इसी श्रृंखला में पश्चिमी दिल्ली के भगत चंद्रा अस्पताल में पानी बचाव और वाटर हार्वेस्टिंग के मुद्दे पर एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें तमाम बुद्धिजीवियों के साथ ही राजनेता एवं समाजसेवियों ने भी अपने विचार रखे। आइए आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि इस मौके पर सभी ने पानी बचाने के लिए किस किस तरह के संकल्प लिए और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। हार्वेस्टिंग था, लेकिन उसके साथ साथ हमने जल को कैसे सही तरह से उपयोग करना वो भी डिस्कस किया, लोगों को अवेयर किया। कल को घर जाएंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मेरे जो एक अपना परसेप्शन है लोगों से बात करके कि समाज के कुछ लोग तो अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बारे में अवेयर नहीं है, चिंता नहीं करते। बिल्कुल, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे थे पहले के वो उनको इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। ये हमारी बात है, बेहतर बेहतर है। कम मात्रा में कर रहे थे साउथ दिल्ली म्यूनसिपैलिटी, जैसे मैंने अभी यह बात कही कि दिल्ली जल बोर्ड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़ी एजेंसी है। सब लोग चाहते हैं कि जो बरसात का पानी है, मेरी छत का पानी है, वो ज़मीन के अंदर जाए, जिससे कि ग्राउंड लेवल वाटर उठ सके, बढ़ सके। लेकिन क्या करें, किस तरह से कर सकते हैं, सरकार कोई सब्सिडी देगी या नहीं देगी? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि मैं कहते तो फ्री बहुत सारी चीज़ें दी है, तो यहाँ पर भी फ्री दे दो। ये तो आने वाली संतानों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत चीज़। जितने भी लोग आए सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और वाटर हार्वेस्टिंग में ठीक बात कही उन्होंने कि पहले के टाइम पे भी होता था। अभी मैं थोड़े दिन पहले की न्यूज़ देख रही थी टीवी में कि कुछ गांव में कुछ लोगों ने एक सिर्फ गड्ढा बना के और वो पानी वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। वो पानी उन्होंने वहाँ पे स्टोर किया है, बारिश का पानी रोक रहे थे, और उसके बाद उस पानी को वो खेतों की सिंचाई उससे करना और कपड़े धोना, वहाँ नहाना धोना, जैसे कि गांव है तो गांव में लोग तालाब पे भी जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनको देखा कि वो कुछ 10-12 लोगों की टीम मिल के तो वो ऐसे स्टोर कर रहे थे पानी को। और जैसे कि अभी देखिए, सबसे पहले तो आज सावन है और इस जो इन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरू किया है डॉक्टर भगत सिंह ने, मैं सबसे पहले तो इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और एक छोटा सा स्लोगन है, सदियों से चलता रहा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसको हमारी भारत सरकार माननीय मोदी जी ने ऑलरेडी पहले से इनिशिएटिव ले लिया है, और भारत सरकार पूरी कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लगे हैं कि घर घर तक पानी पहुँचाना है और घर घर तक पानी को बचाना है। आज हम जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप देखा होगा जब जैसे अंदर भी हमने बात करी होगी कि पानी को बचाना है, वर्षा का पानी बचाना है, अपना पानी जो घरों में हम यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों को धोने के नाम काम करते हैं, तो जो काम हमारा अगर एक लोटे से हो सकता है उसके लिए एक बाल्टी पानी का इसलिए खर्च करना, पूरा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक जल को बचाया जाए, जो वर्षा का जो जल आता है उसको ज़मीन में स्रोत के माध्यम से या वाटर हार्वेस्ट के माध्यम से उसे इकट्ठा करके और ज़मीन में नीचे स्टोर किया जाए। जी मैं अभी नहीं, पहले से इस चीज़ में इनिशिएटिव लेके हम लोग काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, पूरे क्षेत्र में हम लोग हमेशा एक प्रयास रहता है कि पानी को बचाना है और पानी को बचा के उसको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित से ज़मीन में अगर हम उसका कोई स्रोत हम बना सकते हैं, जैसे हम लोग अभी पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग हमने किया है, स्कूलों में हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी बता रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल को पानी को कैसे बचाया जाए, उसको बचा के उसकी मात्रा को हम लोग पानी को दोबारा उसको रिसाइकल करके कैसे उसका सही उपयोग कर सकते हैं। देखा और सुना आपने, सभी लोग पानी बचाने के बारे में खास तौर पर चिंतित दिखाई दिए और साथ ही इन सभी लोगों ने समाज से अपील की कि वह ज्यादा समझदारी का काम लेते हुए पानी को बचाने की मुहिम आज से और अभी से शुरू कर दें। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।